बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस आज के दिन में, टेस्ट का दूसरा दिन और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया, जिसमें जी यासर शाह की शानदार बॉलिंग, अब्बास की शानदार बॉलिंग और जो बिलाल आसिफ है उसकी शानदार बॉलिंग की बदौलत ये आज का मैच पाकिस्तान के हाथ में लग रहा है। लेकिन पिछले टेस्ट की तरह ये ना होगा, वो तीन दिन ही सर्वाइव कर जाए। अब देखते हैं कि अगले मैच में पाकिस्तान क्या करता है, अगले दिनों में क्या करता है। 144 पे 59 अजहर अली। अब पूछते हैं जी, आज अजहर अली की परफॉर्मेंस कैसी है? सर आप बताएं कैसी है परफॉर्मेंस? अजहर अली की परफॉर्मेंस आज बाकी के दिनों के लिहाज से बहुत अच्छी थी, और पहले मैचों में काफी वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, मतलब पहली इनिंग्स में, लेकिन इस इनिंग में उसकी जो है ना परफॉर्मेंस काफी अच्छी लग रही थी। सही कह रहा था, फॉर्म में लग रहा था। सर अजहर अली ने तो चलो किसी ना किसी तरह स्कोर कर ही लिया है, लेकिन बात ये है, हमने बात करनी है मोहम्मद हफीज की। उसने जो 126 की है ना, आके पहली बारी में बड़े आके नारे मारे हैं जी, मुझे मेरी जरूरत थी टीम को, मुझे रखा नहीं जाता, ये हुआ वो हुआ, और जितने भी तबसरा लगा टीमियों में बैठे वही उसको मशवरा दिया, अब हो जाए रिटायर्ड। भाई अगर तुमने 10 मैचों बाद एक इनिंग में खेलनी है तो फिर तेरी कोई पता नहीं, और बॉल भी नहीं कर रहा, बॉल डरता नहीं कर रहा उसे, कभी जर्क मारेगा पकड़ा जाएगा, और आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में जर्क मारी जाए बस, वर्ल्ड कप जितवा दे पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी है। इसी तरह सरफराज है, उसने आज 94 कर ली है, कल अगर उसकी बारी आती है तो उसने भी कुछ नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट में ना ये होता है बस 50 से ऊपर चला गया ना, इसका मतलब अगले 5 मैच मेरे पक्के हैं। जरूरी तो नहीं है उसकी बारी है, वो कुछ ना करे, मुमकिन है, मैंने कहा मुमकिन है, ऐसे ही होना है, परफॉर्म करेगा, बेचारे ने करना चाहिए था, लेकिन 94 पे इस तरह की शॉट मारते थक गया था वो, आपने देखा नहीं, थक नहीं गया था, इंजर्ड हो गया था, थकना अलग चीज होती है, उसके बाद भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया, तो ना खेलता, चांस था उसका अगला मैच, ये अगली इंशाल्लाह नहीं खेलेगा वो, T20 सीरीज नहीं खेलेगा, कौन सरफराज खेलेगा, फिट है, उम्मीद है नहीं खेलेगा उसने, सुबह यार पुशअप लगा, जो पुशअप लगा रहा है मैं पुशअप लगा रहा हूं, मुझे टीम में रख लो, हां सर पुशअप लगा दे, सर को टीम में रख ले, लगाएं उसके कहता जी मेरे पे बड़ी तनकीद कर रहे थे जी, कप्तानी छोड़ दे टीम से निकल जाए या इसको कराची वाले सपोर्ट करते हैं, वो माजिद भट्टी की बात तो सुनी होगी, एशिया कप में इतना प्रेशर उस पे था, प्रेशर सारा लाहौर के मीडिया ने उस पे डाला, भाई प्रेशर तो डलेगा, तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी लाहौर कराची रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक मैच में जरा नहीं हो जाए, 10 मैच में जरा ऐसा हो जाए, और एक मैच में चीन खेल जाए तो पाकिस्तानी कौम उसको ऊपर ले जाती है, कोई इससे पहले कितने कितने 50 किए इससे पहले 13, ये टेस्ट कैप्टनशिप में उसका दूसरा है, कैप्टनशिप में श्रीलंका में कैप्टनशिप में मैच कितने खेले, कैप्टनशिप में उसने 5 मैच खेल लिए, 2 लंका वाले, 5 में 2 6 मैच है, 2 लंका वाले, 2 इंग्लैंड में, 1 आयरलैंड से, 5 6 पिछला, और ये 7वां मैच, 14 बारियां होगी, 14 बारी में 150 किया, नहीं 14 बारियां नहीं ली उसने, 14 बारियां नहीं ली, चलो 14 नहीं 10 ली, 10 ली मैच में, एक इनिंग खेला है उससे पहले की बारी नहीं आ रही थी इसकी, एक इनिंग 14 बारियां तो नहीं ना ली, कितनी बारियां ली, 7 मैच हो गया, 7 मैच हो गए, 7 मैच में 14 बारियां, 150 ये कैप्टन है हमारा सर, 250 और दो ये पिछली बारी में हुई है, और ये दो पिछली बारी प्रेशर सिचुएशन में देखें, हमने वहां पे और स्मार्ट राइज इनको वापस भेज दिया, गया अच्छा नहीं, वैसे ये बात है कि अगर वो प्रेशर में खेल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेशर में खेल रहा है, ये तो जरूरी है एक कप्तान के लिए, क्या वो मतलब की टीम है कि वो प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो ठीक है प्रेशर में खेले, वो ऐसा ही नहीं, कल सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, उसने कहा कि अगर आज मैं डू एंड डाई वाला था, आज नहीं उस दिन ना करता तो आज वाले मैच कल का वो
माशाल्लाह आप बयानबाजी कर रहे हैं जी, मैं तो ये मैं तो वो, ये तो मैच के बाद पता लगेगा कि वो क्या है। वैसे ये मिकी आर्थर मैं बताऊं पर्सनली उसको खुश नहीं, नहीं खुश उसने मिकी आर्थर ने उसको जितने बयान मिकी आर्थर ने वो सारे उसके खिलाफ। मिकी आर्थर ने कहा मैंने इसको कहा कि अब्बास और यासर के साथ अटैक करना है, इसने जाके वहां उनके साथ अटैक किया पिछले मैच में, आज इसने अब्बास को लगाया और अब्बास ने आते साथ ही आउट किए है। नहीं अब्बास का तो वो बकार को मैं सुन रहा था, आज वो कह रहा था कि जी अब्बास को वनडे में खिलाना चाहिए। और नहीं ये पाकिस्तानी कौम में सबसे बड़ी यही गलती करते हैं, जो लड़का T20 परफॉर्मेंस करता है उसको टेस्ट में डाल दो, जो टेस्ट में करता है उसको T20 में डाल दो। आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर देखें, वो एंडरसन है टॉप विकेट टेकर है इस वक्त, टेस्ट क्रिकेट का नंबर वन बोलर है, वो उधर नहीं रोला डालते भी, इसको वनडे भी खिलाओ, इसको टेस्ट भी खिलाओ, 20 में भी खिलाओ, टोटल विकेट टेकर रैंकिंग में तो टॉप है, रैंकिंग में भी लेकिन वो प्लेयर की निशानदेही कर लेते हैं। एंडरसन खेलना है कुछ 200 आज की परफॉर्मेंस यही है कि अजहर अली बच बचा के माशाल्लाह 50 कर गया भाई है वैसे, लेकिन अब हम क्या कसम आउट हो गया था आपने देखा नहीं क्या कर रहे तो पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ गेम क्या मतलब जो प्लेयर होता है वो जरा हाँ तो अब कई प्लेयर फखर बड़ा प्यारा खेला, फखर बड़ा प्यारा खेला, उसने अटैक किया जो भी जितना भी स्कोर हुआ ना फखर की वजह से ही हुआ, पहली इनिंग में भी और इसकी नहीं। अच्छा सुबह पैर की वजह से वो 50 कर गया तो कोई प्लेयर नहीं, नहीं। उसकी जगह बनती थी परफॉर्मेंस कर रहा था, इन्होंने बाहर निकाल दिया, चलिए अब आप देखिए बाबर आजम बाहर बैठा होगा कल, अगर आके सर जी अगर वो 50 कर जाता है तो उसको क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ सिलेक्ट कर लेंगे, करेंगे लो जी ये हाल है इनका 26 की आ रही है 15 मैच थोड़ी करना है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मैंने थोड़ी करना है। अच्छा जी आपने कहना करेंगे क्रिकेट में बहुत अच्छा है, लोग लड़ने लग पड़े उमर अकमल की 40 की एवरेज है, उसने मैच इतने खेले उमर अकमल 20 से ज्यादा नहीं खेले, हाँ तो उसकी क्या है 40 की एवरेज है उसकी, अब उसकी आपने यूसुफ को बिठाया और उमर को खिलाया था उस पर बड़ी तंकीद हुई थी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मार लेता ठीक है, तो ये आप इतने अब इतने बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके जब उसको खिलाते हैं तो तब भी तो आप सोचे आप ये देखें कि टीम में ना कहीं है, फिर आप क्या कहते हैं बाबर आजम को निकाल, बाबर आजम को निकालना चाहिए और फवाद आलम को लाजमी लाना चाहिए, अगर ये इस बार भी ना लाए फवाद आलम तो फिर देखिये अगर उस्मान सलाउद्दीन को बेचारों को आज घर वापस भेज दिया, पानी ऑस्ट्रेलिया ने पानी पिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से दो लड़के मंगवाए हैं मैक्सवेल और जैम्पा, कम से कम वहाँ तो पानी पिलाने ग्राउंड में भेज देते हैं, क्या गलती बात होगी, कोई और मसला होगा कौन को वो पूरा करके गया है उसकी जब बाजू पे चोट लग गया, हाँ जी और उस्मान सलाउद्दीन की क्या गलती है, उसको बेचारे को जिसकी सिफारिश नहीं है उसको इंग्लैंड में एक मैच खिला दिया, उसने वहां भी अच्छा खेल लिया 35-36 कर लिया, वो भी वो मैच जिसमें पूरी टीम इनिंग में शिकस्त खा रही थी 35-36 कर, अच्छा खेला था, आज उसको कर भेज के इन्होंने कह दिया है भाई बाबर आजम उस्मान सलाउद्दीन को, पाकिस्तान में मसला ये है ये लड़के बाबर आजम वगैरह ये सरफराज ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने हैं तो इनका टेस्ट पे करियर बने ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है अब्बास, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है अजहर अली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है सचिन, उनके खेल नजर भी आता है कि भाई वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये क्या करते हैं
जब ये फ्री होते हैं जी, कोई वोकेशन पे चला गया दुबई, कोई कहीं शॉपिंग कर रहा है, कोई कहीं शॉपिंग कर रहा है, नहीं तो हसन अली जैसे जिस तरह फेसबुक ट्विटर पे लगे हैं जी। अच्छा अब देखें सर मैच जीतेंगे कि नहीं कल, मैं तो जीतना पिछला भी जीतना चाहिए था, हम तो जिता के बैठे थे, लेकिन ये इनकी नाहली होगी, वैसे पिछला मैच ड्रॉ होगा। अगर कल ये पाकिस्तान पूरा खेलता है अपने पोटेंशियल पे और 450 से 500 तक का टारगेट देता है, मैं बताऊँ अगर ये टीम थोड़ी एक्सपीरियंस होती है ना, पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता क्योंकि स्टार्ट है, दो मेन प्लेयर एक्सपीरियंस है, इस वजह से पाकिस्तान जीत पा रहा। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह जीत तो पाकिस्तान की होनी चाहिए। ओके इंशाल्लाह।